Everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं उर्फी जावेद इज सुपर फनी अक्षय कुमार ट्रोलिंग एंड दिस वीडियो इज बाय थगेश. तो ये होने वाला है खबरेश वाले जो न्यूज वाले होते हैं, जो मतलब न्यूज का वीडियो बाय थगेश एंड दिस इज गोइंग टू बी सुपर फन लाइक एवरी टाइम होता है. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते. लेडीज एंड जेंटलमैन, योर होस्ट फॉर टुनाइट शो. ओके, miss me? I bet you did. Welcome back to the new episode of the Late Night Khabrey Show. Well, तो आज भी हमारे पास आपके लिए बहुत ही मजेदार कहानियां हैं. तो पहली न्यूज आ रही है बॉलीवुड से. तो अक्षय कुमार की एक न्यू मूवी का ट्रेलर आया, रक्षाबंधन. हाँ. जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा. इनकी शादी? ट्रेलर बहुत ही प्यारा है, स्वीट सा है, या ये किसी की बायोपिक नहीं है. बट यू नो, ट्रेलर में भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा लोगों ने किस चीज से रिलेट किया, इस चीज से. मुझे पसंद है लड़का, ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी इससे. कबाड़ी वाला है वो. हाय हाय, मैं नहीं बोल रहा हूँ अब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार खुद बोल रहे हैं यार. अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि टिकटॉकर्स कबाड़ी वाले होते हैं. एक टाइम था जब टिकटॉकर्स को सिर्फ यूट्यूबर्स रोस्ट करते थे, आज टिकटॉकर्स को रोस्ट करना इतना मेनस्ट्रीम हो गया है, तो बॉलीवुड खुद कर रहा है रोस्ट. बड़ी बात, ये क्या है, कोई भी आ रहा है टपली मार के जाता है इनको यार. चल पानी बुरे लगा. बट भरोसा नहीं, अक्षय सर 2 साल बाद किसी टिकटॉकर की बायोपिक कर रहे होंगे. कोई नहीं. अगली एक और न्यूज आ रही है बॉलीवुड से, एक और ट्रेलर आया बॉलीवुड में मूवी एक विलन रिटर्न्स का. लोगों को लगा कि कहानी खत्म, पर 8 साल बाद एक विलन रिटर्न. ना देखो, पहली मूवी सबको बहुत पसंद आई थी, दूसरी मूवी के लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मूवी का कास्ट, अर्जुन कपूर, इट्स पेनिंग, दिशा पटानी, तारा सुतरिया. लीजिए आराम से डॉक्टर, रिलैक्स. मतलब एक ही मूवी में इतने खराब एक्टर्स को लेना था तो केआरके को भी ले ही लेते. अरे तो तेरे जैसे मर्द हिंदुस्तान के मर्दों की बात लगा रहे हैं. ऊपर से मूवी के एक्शन सीन्स, आहा हा. ये क्या कॉपी पेस्ट हुआ है? देखो, मैं मानता हूँ कि एक्शन सीन्स बॉडी डबल करते खुद एक्टर्स नहीं करते, बट एडिटिंग तो खुद एडिटर्स को दे देते, खुद नहीं कर ली क्या ये भी? ओ यार, नहीं मिला. अर्जुन कपूर का फेस चिपकाया है, वो भी खराब एक्टिंग कर रहा है. ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी, मैं विलन और तू. तो ये इतने ट्विस्ट, भाई क्या, कौन किसको मार रहा है? मूवी कम वो टिकटॉक ज्यादा लग रही है. बढ़िया, अच्छा अच्छा, ओके. तो इतने ट्विस्ट ट्रेलर में दिखा दिए, एक विलन टू कम मलंग टू ज्यादा लग रही है. ट्रेलर में अर्जुन कपूर बोल रहे हैं, कौन विलन? मैं हीरो हूँ तेरी कहानी का. तू हीरो, तो मैं तेरी कहानी का विलन. अच्छा, मेरे को मालूम नहीं हीरो कौन है विलन कौन है, लेकिन अगर ये मूवी फ्लॉप हुई ना, इसका विलन अर्जुन कपूर पक्का होगा. मूवी का सॉन्ग भी आया गलियां रिटर्न्स. गलियां, लाइक गलियां, गलियां कैसे रिटर्न हो सकती है? देखो बॉलीवुड वालों, पार्ट टू है, इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न्स डालना ही है आगे. गलियां रिटर्न्स क्या होता है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, सेक्सी लग रहा था. एनीवेज, अगली न्यूज आ रही है उर्फी जावेद की. तो उर्फी जावेद बन गई है एशिया की मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी. बता सकते हैं कि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुए एशियन लिस्ट में ना केवल उर्फी जावेद ने जगह बनाई, बल्कि उन्होंने कंगना रनौत और कियारा आडवाणी को भी पीछे छोड़ दिया. यस, पूरे एशिया में उर्फी जावेद को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया लोगों ने. किसने सर्च किया? रोस्टर्स ने. वो भी पूरे एशिया में सिर्फ उर्फी जावेद को क्यों सर्च कर रहे हैं लोग? ऐसा फैशन देख के सब सोचते होंगे कि भाई कौन है कौन ये. इंटरनेट के प्राइस आजकल इतने बढ़ रहे हैं, ये सब सर्च कर रहे हो? हाँ, इंटरनेट के हर चीज के प्राइस आसमान छू रहे हैं भाई. मिडिल क्लास आदमी अपने खर्चे मैनेज कैसे करेगा? मैं तो अगले आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी जहाँ पर हम लाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश से मजेदार सी न्यूज. तो यूपी में आज न्यूज है बरेली से. कोई है हमारे बरेली से सब्सक्राइबर्स? बरेली में क्या हुआ, कुछ कारणों की वजह से पुलिस वाले ने एक इलेक्ट्रिशियन पे चलान मारा. यस, तो इलेक्ट्रिशियन ने पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट उड़ा दी.
बहुत ही यूपी का मार्वल यूनिवर्स है, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ है। पुलिस वाले ने अपनी पावर यूज की, इलेक्ट्रिशियन ने अपनी पावर यूज की। अच्छा वो भाई किसी प्लम्बर से लफड़ा नहीं हुआ, वरना बाथरूम का पानी वानी काट देता, प्रॉब्लम हो जाता। फिर क्या पुलिस ने वापस पावर यूज करके डाल दिया होगा अंदर, अब तो क्या ही करे अंदर। भाई यूपी इज ऑलवेज ओपी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी वेस्ट बंगाल से। तो बंगाल में एक आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी पेट में, यू नो सबको होता है हमको। तो घर वाले लेके गए उसको डॉक्टर के पास, एंड डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड जब ऑपरेशन किया तो उसके पेट से 250 कीले और 35 कॉइन्स निकले। खा था क्या? ट्रू स्टोरी, सच्ची घटना। अबे पेट या खजाने की टोकरी, घर वालों की तो लॉटरी लग गई होगी भाई। कहा जाता है कि वो 15 साल से थोड़ा मेंटली इल था, पहले वो कीले वगैरह खा रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था। एंड ये खजाना निकलते हुए देख डॉक्टर्स भी शॉक हो गए कि भाई कैसे। मैं तो बोलता जाके बेच दो, 2-3 कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा। बेचारा बंदा सोच रहा होगा सालों से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, किसको पता अंदर कीलो ने वेट बना के रखा है। पेट है कि बुलेट प्रूफ ऑर्गन है क्या भाई? कीले होने के बाद कैसे भाई? ये सुपर हीरो का ओरिजिन स्टोरी होता है, ऐसे ही सुपर हीरो बनते हैं, संभालो इसको। एनीवेज यार मैं ही गेट वेल सून। बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, चुमेश्वरी साउथ। चुमेश्वरी साउथ में आज न्यूज है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु बिहार को बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है। ये जैसे मैंने पहले के एपिसोड में बोला है कि बिहार में ब्रिजेस चोरी हो रहे हैं रातों रात, 60-80 फुट के ब्रिजेस चोरी हो रहे हैं। तमिलनाडु ने बोला भाई हम भी कर लेंगे। तमिलनाडु में मोबाइल के जो टावर होते हैं चोरी हो गए। एक नहीं, 600 टावर चोरी हो गए। बेचारे तमिलनाडु में सोच रहे होंगे फोन में नेटवर्क काहे को नहीं आ रहा है। इनकी वजह से मोबाइल कंपनी का नाम खराब हो रहा है। लोग पोर्ट करा रहे हैं कि भाई ये मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। वहां पे लोग टावर बेच के ब्रिज चोरी हो रहा है, टावर चोरी हो, कल पूरा बिल्डिंग चोरी हो जाएगा, क्या कर ले? नहीं क्या ही हो रहा है कि धूम 4 का प्रमोशन चालू हो गया क्या? अच्छा धूम 4 से याद आया, अगली न्यूज आ रही है ओडिशा से। तो ओडिशा में कुछ चोरों ने एक स्कूल से कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चोरी कर लिया, जैसे मॉनिटर वगैरह छोटा मोटा हो गया ऐसे सब। और यू नो जैसे धूम मूवी में ऋतिक चोरी करने के बाद अपना ए वाला सिंबल छोड़ के जाता है, वैसे ये लोग ने भी सोचा कि हम भी हमारा कुछ छोड़ेंगे सिंबल। तो इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया धूम 4 कमिंग सून। नाइस, तुम फ्री में प्रमोशन कर रहे हो पिक्चर वालों का, पैसे दे देंगे यार तुमको। और ये कमिंग का स्पेलिंग क्या लिखा है भाई? एनीवेज हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो कहते हैं ना जो पढ़ा लिखा होता है वो कभी चोरी नहीं करता, और जो चोरी करता है वो कभी पढ़ा लिखा नहीं होता। कॉन्फिडेंस ओपी। एनीवेज तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी सब पे भारी में आज न्यूज आ रही है बिहार पटना से। तो पटना में एक कपल की शादी हुई थी, एंड वो भी लव मैरिज हुई थी। ओके, यस वेरी स्वीट आई नो। तो शादी के 45 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ, लड़के की वाइफ अपने दूसरे लवर के साथ अपने हस्बैंड के पैसे गहने सब लेके फरार। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। एक तो दिल में छेद कर गई वो अलग, बैंक बैलेंस में छेद कर गई वो अलग। मैं तो बोलता हूँ अभी मूवीज वगैरह तो देखता ही होगा बंदा, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दे फिर आना एकदम इंतकाम। ये मेरा प्यार कर भाई, मैं बोल रहा हूँ मोटिवेशन भी है मौका भी है। भाई तो अगली न्यूज आ रही हरिद्वार से। तो हरिद्वार में मस्त शादी का माहौल था, कार्ड्स बट चुके थे, कार्ड्स पे टाइमिंग्स थे, दूल्हे के दोस्त एकदम रेडी थे कि अभी बारात में नाचने का मौका मिलेगा। बट दूल्हे ने दोस्तों को धोखा दे दिया। यस, उसने जो कार्ड पे टाइम लिखा था उसके पहले ही बारात लेके भाग गया। अजीब दोस्त है यार, मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ ऐसे मत नाचा करो शादियों में, कोई नहीं बुलाएगा तुमको। अगर आपको लग रहा है कैसा दोस्त है बारात लेके निकल गया, तो मैं आपको बताऊं जिन दोस्तों को छोड़ के निकला था तो दोस्तों ने इस पे केस कर दिया 50 लाख का डैमेजेस के लिए। भाई दिल का डैमेज काउंट नहीं होता कोर्ट में, 50 लाख का तो उसका शादी भी नहीं हुआ रहेगा।
मजाक चालू है भाई, केस कर दो, कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग पड़े, जज भी सोचता होगा। अरे क्या है, क्यों है ये? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोर्ट है ये, 29 केस है आज के, कोई रेप का है, कोई मर्डर का है, कोई करप्शन का है, बैठ के कवाली सुनूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर। एनीवेज तो बढ़ते बढ़ते हमारे फाइनल सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल में आज न्यूज है एक होटल की एक्चुअली। तो एक मस्त वाली होटल बनाई जा रही है जो प्लेन में होगी, जो हवा में उड़ेगी एंड वो कभी लैंड नहीं होगा। वो प्लेन कभी लैंड नहीं होगा, हमेशा हवा में ही रहेगा। फिर फ्यूल कैसे? बाप रे। उसकी सेटिंग कैपेसिटी 5000 लोग की है। 5000 लोग लेके हवा में कोई चीज कैसे रह सकती है यार, कोई बताओ। एक मिनट, अगर होटल लैंड नहीं करेगा कभी तो जाएंगे और आएंगे कैसे उधर से? हाँ, वही तो। सुपरमैन छोड़ेगा क्या? शायद अभी होगा कुछ टेक्नोलॉजी, हमको नहीं समझता है अभी, हम कॉमर्स वाले। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोस आउट। Supplies and guests are delivered to the hotel using electric commercial airliners and private jets. लेकिन क्या प्लेन में जाने के लिए अलग प्लेन लेना पड़ेगा? यहाँ बहुत खर्चा यार, इतना नहीं है हमारे पास, हम ढाबे पे ही ठीक है। See you, भाई, I think that's it for today. पूरा पसंद लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो do subscribe. And guys, description में लिंक दिया Olymtrade का, डाउनलोड करो एंड पाओ 100 के आपके डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस के लिए। एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करो Thagesh30, जिससे आपको मिला 30% आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो चेक करो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंजॉय योर प्रॉफिट। That's it for this episode of the late night खबरें शो। जल्दी जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। गुड नाइट, ओके। तो यार एकदम बढ़िया बढ़िया आज की न्यूज है। तो तमिलनाडु तो पीछे है, मतलब ये थगे का ये वाला वीडियो जो होते हैं ना, मतलब पूरे दुनिया भर का न्यूज हमें पता चल जाता है। वो प्लेन तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव आइडिया है बाय द वे। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।